हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर का नाम है द हैक ड्राइवर। यार बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर यार मुझे एक बात बताना, आप में से कितने लोग हैं जो बस थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक करते हैं? यार छोड़ो वो सब बातें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। यार प्लीज़ कर देना अगर पसंद आता है तो, और इस वीडियो की लाइक एम 2K लाइक्स रखता हूँ। वैसे आज तक कोई वीडियो में आया नहीं है, होपफुली इस वीडियो में आ जाना चाहिए, सपोर्ट करना यार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को लिखा है सिंक्लेयर लुइस ने। वैसे नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर यार ये जान लो द हैक ड्राइवर। इसमें हैक का क्या मतलब हुआ? हैक का मतलब एक हॉर्स और उसके पीछे अगर काट लगा दिया जाए तो, यानी कि हॉर्स को मॉडिफाई कर दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं हॉर्स टैक्सी, तो इसे हम कहते हैं द हैक। और ड्राइवर मतलब उसे चलाने वाला। तो हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एक घोड़ा चलाने वाला आदमी, मॉडिफाइड घोड़ा चलाने वाला आदमी एक लॉयर को कैसे उल्लू बनाता है। एक यंग लॉयर था जो कि ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहा था। वो ओलिवर लुटकिंस को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि लॉयर को समन देना था उसे। अब ये समन का मतलब समान मत समझ लेना, ये समन का मतलब होता है कोर्ट द्वारा प्रदान किया गया एक लेटर। और तभी उस यंग लॉयर को एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर मिलता है, जिसकी मदद से वो पूरी विलेज में घूम घूम के लुटकिंस के बारे में पता करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या उसे लुटकिंस मिलता है और ये लुटकिंस है क्या, मतलब कौन है, इसे लेटर क्यों देना है, ये सब स्टोरी में जानेंगे। वो यंग लॉयर अपना कहानी शुरू कर रहे और बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया, ऑनर्स कम्प्लीट किया, तब उन्हें एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क में काम मिल गया। पर वो काम कुछ लीगल पेपर्स बनाना तो नहीं था, बल्कि लोगों को सर्व करना समन्स। समन्स का मतलब मैंने बता दिया है, वही जो लेटर कोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वही उनका काम रह गया था कि लोगों तक पहुंचाना, और वो कह रहे हैं ये काम बिल्कुल एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह है। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें कई बार गंदे गंदे अजीब पार्ट्स ऑफ सिटीज़ में जाना पड़ता था, मतलब अजीबो गरीब जगह पे भेज दिया जाता था विक्टिम्स को वो समन देने के लिए। और यार आपको पता ही होगा कि ये जो समन दिया जा रहा है, यानी कि जो कोर्ट से लोगों को बुलाया जा रहा है, कोर्ट में हाजिरी के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, तो यार ये कोई छोटे मोटे आदमी तो होंगे नहीं, इनमें से कई लोग क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। तो कई बार बोल रहे कि ये जो यंग लॉयर है, ये कई बार मार भी खा जाते थे इन लोगों के हाथों। और वो कह रहे हैं कि उन्हें ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कह रहे हैं कि उन्हें अपना होम टाउन जाना है, होम टाउन यानी कि जिस विलेज या जिस सिटी में उनका अपना घर है, वो इसलिए कह रहे हैं उन्हें होम टाउन जाना है ताकि वो अपना लीगल प्रैक्टिस रियल लॉयर की तरह शुरू कर सके, वो एक रियल लॉयर बन सके, क्योंकि उन्हें लोगों को समन प्रोवाइड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वो बता रहे हैं कि वो एक दिन बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्हें 40 माइल्स दूर जाना था एक न्यू सिटी में, और उस सिटी का नाम था न्यू मूलियन, और उन्हें उस सिटी में इसलिए जाना था ताकि वो एक आदमी को समन प्रोवाइड कर सके, और उस आदमी का नाम था ओलिवर लुटकिंस। और वो खुश इसलिए थे क्योंकि वो आदमी एक केस का विटनेस था, और उस आदमी ने सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया था, लीगल लेटर्स को, इसलिए उन्हें उन राइटर को भेजा जा रहा था ताकि वो उस आदमी को ढूंढ सके। वो बता रहे हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उस विलेज को लेके कि वो कितना सुंदर होगा, वो सब पानी में चला गया, यानी कि वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए जब उन्होंने देखा कि वहाँ का रोड एकदम नाले जैसा है, गंदा मड का रिवर बह रहा है, और रोड के दोनों साइड में वुडन शॉप्स हैं जिनमें से कुछ तो ब्राउन पेंटेड है और किसी शॉप्स में तो पेंट ही नहीं है। वो लॉयर बता रहे हैं कि जब वो सिटी पहुंचे तो उन्हें बस वहाँ पे एक ही चीज़ अच्छा लगा, वो था वो डिलीवरी मैन, जो कि अबाउट 40 इयर्स का लग रहा था, फेस उसका एकदम रेड था, और वो एक पतला आदमी था। उसने बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए थे, पर बहुत ही अच्छे ढंग से पहना था, और वो आदमी बहुत ही फ्रेंडली मैनर में बिहेव कर रहा था। और ये सब देख मुझे लगा कि वो आदमी पीपल, दूसरे लोगों को काफ़ी लाइक करता है। फिर वो लॉयर उनके सामने गए, उस डिलीवरी मैन के सामने गए, और बोलते हैं कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। वो डिलीवरी मैन तुरंत रिप्लाई करता है, लुटकिंस हाँ मैंने उसे देखा था एक घंटा पहले, पर उस आदमी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो आदमी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहता है, कोई एक जगह पे नहीं रुकता। और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है वो अभी तुरंत फिट्स शॉप के पीछे पोकर गेम खेल रहा होगा। और फिर वो कहता है क्या तुम्हें जल्दी है लुटकिंस का पता लगाने के लिए?
लॉयर कहते हैं कि हाँ मुझे ज़रूरी है क्योंकि मुझे दोपहर का ट्रेन पकड़ना है, वापस सिटी जाना है और ये काफ़ी ज़रूरी है और इसके पीछे काफ़ी सारी सीक्रेट बातें भी हैं। तब वो डिलीवरी मैन कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं तुरंत अपना हैक लेके आता हूँ, यानी कि वो टांगा लेके आता हूँ जिसमें हॉर्स है और पीछे काट लगा हुआ है, मैंने बता दिया। तो वो कहता है मैं वो लेके आता हूँ, आप यहीं वेट कीजिए और फिर हम साथ में उसे ढूंढेंगे, ऑलिवर को ढूंढेंगे। अब लॉयर अपने में कह रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि मुझे ये काफ़ी खुशी है कि मैं एक हैक ड्राइवर की मदद से, वो फ्रेंडली हैक ड्राइवर की मदद से अब लुटकिंस को ढूंढूंगा। अब वो हैक ड्राइवर कहता है कि वो ऐसे काफ़ी सारे जगह को जानता है जहाँ पे वो छुप सकता है, ऑलिवर छुपता है। और वो लॉयर खुश थे कि ये जो मनी मैं जो स्पेंड करूँगा मनी, वो एक अच्छे आदमी के हाथों में जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उन्हें देना ही पड़ेगा उस टंगा वाले या फिर उस हैक ड्राइवर को पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी खुश है कि एक अच्छे आदमी के पास पैसा जाएगा। अब वो हैक ड्राइवर और लॉयर दोनों बार्गेन करते हैं और $2 पर आर पे एग्री कर देते हैं, यानी कि $2 पर घंटे। फिर वो हैक ड्राइवर अपना हैक लाता है, एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल देता है जैसे कि वो उस ऑथर का, राइटर का एक अच्छा दोस्त हो, बहुत पुराना दोस्त हो। फिर वो लॉयर कह रहे हैं, अपने में कह रहे हैं कि ये विलेजर्स कितने अच्छे होते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर का कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे कि वो उन्हीं का काम हो, जैसे कि ये हैक ड्राइवर ओलिवर लुटकिंस को खोजने में मेरी कितनी मदद कर रहा है। फिर वो हैक ड्राइवर बोलता है कि मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप लुटकिंस से कुछ पैसे कलेक्ट करने आए हो, पर मैं एक बात बता दूं कि वो पैसा नहीं देगा, वो किसी को भी पैसा नहीं देता, इवन कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो उसके साथ पोकर गेम खेला और मैं 50 सेंट्स हार गया और अभी तक मुझे उसे 50 सेंट्स रुपीस देना है। हमें इससे पता चल रहा है कि ये जो पोकर गेम है ये कोई सट्टाबाज वाला गेम है। और हैक ड्राइवर कहता है कि ओलिवर कोई बुरा आदमी नहीं है, पर अगर तुम ऐसे उसके पास पैसे मांगने जाओगे तो वो तुम्हें नहीं देगा, और अगर वो तुम्हें इस फैंसी ड्रेस में देख लिया तो हो सकता है तुम्हें देख के वो भाग जाए। और फिर हैक ड्राइवर कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं उससे जाके पूछूंगा, तुम मेरे पीछे ही रहना। अब वो लॉयर यानी कि ऑथर अपने माइंड में सोच रहे हैं कि ये अच्छा बात है कि हैक ड्राइवर मेरी मदद कर रहा है, अगर मैं अकेले होता तो शायद मैं उसे कभी ना पकड़ पाता, पर इसकी मदद से हाँ श्योर मैं उसे पकड़ लूँगा। अब तक लॉयर को उस हैक ड्राइवर पे काफ़ी भरोसा आ गया था, इसलिए वो लॉयर उसे कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कोई पैसा कलेक्ट करने नहीं आया, बल्कि मुझे उस लुटकिंस को एक समन देना है जो कि कोर्ट से आया है, और वो आदमी काफ़ी सारे लीगल जो नोटिस थे, लेटर्स थे, उसे रिफ्यूज़ कर चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है। और वो आदमी यानी कि ओलिवर ये रिफ्यूज़ कर दिया कि वो एक विटनेस है एक केस का, और वो कह रहे हैं कि अगर वो इस केस का विटनेस होने पे रिफ्यूज़ नहीं करेगा तो ये केस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो ड्राइवर काफ़ी ध्यान से बातों को सुन रहा था। जब ऑथर ये सारे बात बोलना बंद किए तब वो जो ड्राइवर होता है मेरी कंधों पे, यानी कि ऑथर के कंधों पे थपथपाता है और हंसते हुए कहता है कि वेरी वेल ब्रदर, हम लोग दोनों मिलके लुटकिंस को एक सरप्राइज देते हैं, और कहता है लेट्स स्टार्ट। फिर वो हैक ड्राइवर कहता है कि यहाँ लोग मुझे बिल या मैग्नोसन बुलाते हैं, और मेरे बिजनेस को लोग विलियम मैग्नोसन फैंसी कैटिंग एंड हैकिंग बुलाते हैं। यार मैं बोलना तो नहीं चाहता पर ये इम्पॉर्टेंट है और ये नाम पूछा जा सकता है, इसलिए बस याद कर लेना। फिर लॉयर कहते हैं ऑल राइट बिल, क्या अब हम चल सकते हैं फिज के लिए, फिज शॉप के लिए। फिर बिल यानी कि वो हैक ड्राइवर कहता है कि हाँ चलो चलते हैं, उसकी वहाँ होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है वो अभी पोकर खेल रहा हो, और लुटकिंस लोगों को बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी माहिर है, यानी कि डिसीव करने में लोगों को काफ़ी माहिर है, वो आसानी से किसी को भी बेवकूफ़ बना देता है। अब लॉयर सोच रहे हैं कि अगर बिल यानी कि वो हैक ड्राइवर अगर कोई पुलिसमैन होता तो उसकी काफ़ी मदद हो जाती, वो आसानी से लुटकिंस को पकड़ के जेल में डाल देता। अब वो लोग उस फिज शॉप के पास पहुंच जाते हैं, FRITZS, स्पेलिंग गलती ना हो इसलिए बता देता हूँ। बिल फ्रिट से पूछता है कि क्या तुमने ओलिवर को देखा है, तो फिर फ्रिट डरते हुए यानी कि हेसिटेट करते हुए बोलता है
कि हाँ, मैंने उसे देखा है। कुछ समय पहले वो यहीं था और अभी वो गस्टफ सौंप गया है एक अपना सेव करवाने। बिल कहता है कि हाँ, मुझे जानना है कि वो कहाँ है, क्योंकि मेरा एक दोस्त उसे ढूंढ रहा है, और वो जब आए तो उसे बोल देना कि मैं यानी कि बिल उसे ढूंढ रहा था। फिर वो दोनों गस्टफ बार्बर शॉप पहुंचते हैं। फिर बिल उतरता है, डोर के पास जाता है और वहां बैठे दो कस्टमर और एक बार्बर जिसका नाम स्वीडी था उससे पूछता है कि क्या आप में से किसी ने ओलिवर को देखा है। तो फिर स्वीडी गुस्से में रिप्लाई करता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा और ना ही मुझे इंटरेस्ट है, पर हाँ, अगर तुम्हें वो मिले तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अपना $35 उससे कलेक्ट करना है। फिर वहाँ बैठे एक कस्टमर को कुछ याद आता है और कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैंने लुटकिंस को देखा है, वो मेन स्ट्रीट में घूम रहा था और होटल के साइड से पार हो रहा था। जैसे ही बिल और वो लॉयर वापस से हैक पे चढ़ते हैं तो बिल कहता है कि हो सकता है वो ग्रेस बार्बर शॉप गया हो, क्योंकि गस्टफ बार्बर शॉप में तो उसका उधार बाकी था, इसलिए हो सकता हो वो गस्टफ बार्बर शॉप नहीं गया हो बल्कि ग्रेस बार्बर शॉप गया हो। इसलिए वो तुरंत ग्रेस बार्बर शॉप के पास पहुंचते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ओलिवर बस 5 मिनट पहले वहां से निकल गया है। फिर वो लोग तुरंत पोल रूम पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो पोल रूम गया हो, क्योंकि इस टाइम उसका पोल रूम जाने का है, पर उन्हें वहां पे भी नहीं मिलता। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जस्ट कुछ ही देर पहले वो वहां से सिगरेट लेके निकला है। हम उसे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं पकड़ पा रहे थे। पर फिर वो लॉयर है, वो कहता है कि उसे उस हैक ड्राइवर पे बहुत भरोसा था कि उसकी मदद से वो उस ओलिवर को पकड़ लेगा। अब 1 बज गया था और उन्हें काफ़ी भूख लग रहा था, वो काफ़ी हंग्री थे। फिर लॉयर कहते हैं कि हमें काफ़ी भूख लगी है, ये अच्छा होगा कि हम रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा ले, मैं तुम्हारे लिए लंच भी बनवा दूंगा। फिर बिल कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट है और चारों के चारों काफ़ी ख़राब है, पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं ये चारों के चारों, और खाना भी उतना अच्छा नहीं रहता। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप मेरे घर चलिए, मेरी जो वाइफ है वो आपके लिए खाना बना देगी, लंच पैक कर देगी, इवन कि मैं भी खा लूँगा, और फिर वहाँ से हम वेट्स हिल चलेंगे, वहाँ खाते खाते नज़ारा यानी कि व्यू का व्यू देख देख के इंजॉय करेंगे। और अब वो लॉयर कह रहे हैं कि बिल उनके लिए एकदम भाई जैसा हो गया था, उन्हें उसमें बहुत लव अफेक्शन फैल गया था उन दोनों के बीच में, और वो उस पर काफ़ी भरोसा भी करने लगे थे। यार, आप लोग सब कमेंट करके ये ज़रूर बताना आपके लाइफ का वो इंसिडेंट जिस समय आपको एक व्यक्ति मिलता है और आपको उससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन हो जाता है और वो काफ़ी आपका अच्छा दोस्त बन जाता है या फिर कुछ और भी बन जाता है, मुझे ज़रूर शेयर करना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। पर अब ऑथर कह रहे हैं यानी कि वो लॉयर बता रहे हैं कि ये कम्प्लीटली ब्रदरहुड वाला लव नहीं था, क्योंकि वो बिल को पे कर रहे थे, पैसा पे कर रहे थे, और इवन कि उन्होंने जो खाना खाया उसका भी पैसा उन्होंने पे किया, और इवन कि जो टाइम इंक्लूडेड था उनके खाना खाने का वो भी उस पे उसे जाता है, $2 per hour में उसे दिया गया। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो पैसा पे किया, वैसे तो ये पैसा वो कलेक्ट कर लेंगे फिल्म से, यानी कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो उन्हें वापस पैसा दे देगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के वर्क से बाहर जा रहे हैं, पर फिर भी ये पैसा काफ़ी ज़्यादा था। पर अब वो बता रहे हैं कि ये भी सही है, इसे पैसा देना भी सही है, क्योंकि इसने मेरी काफ़ी मदद की है। अब वो खाते खाते हिल टॉप में बैठे हुए हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कुछ पोस्टर के बारे में और कुछ सीनरीज और ट्रीज के बारे में जो कि उस शहर में लगे हुए थे, वो पेंटेड पिक्चर्स के बारे में भी बात कर रहे थे। बिल बता रहे हैं कि लोग कितनी मूर्खता करते हैं, और बिल ये भी कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए वो भले ही लोगों को माफ़ कर देता हो, पर उनकी जो मूर्खता थी वो नोटिसेबल थी, बहुत ही गौर करने वाली थी। फिर वो कुछ एग्जांपल ले रहे हैं और बता रहे हैं कि एक मिनिस्टर की वाइफ थी जो काफ़ी कर्जे में थी, पर भी वो ज़ोर ज़ोर से हंसती थी,
अब बिल दो लड़कों के ऊपर भी कमेंट करते हैं और बिल एक लॉयर की वाइफ के बारे में भी कमेंट करते हैं और कहते हैं कि उनकी वाइफ दिन भर में भी एक कॉलर और टाई नहीं लगा पाती है। और ये सब जो बात बिल कर रहे थे ये कोई रियल बात नहीं थी, बल्कि ये सभी चीज एक पेंटिंग में दिखाया हुआ था, इसलिए बिल ऑथर को बता रहे थे। पर उनके बताने का वे ऐसा था कि मानो ये सब कुछ असली में हो रहा हो। और बिल बता रहे हैं कि वैसे तो वो बहुत सारे सिटीज़ और टाउन्स में घूम चुके हैं, पर वो सभी सिटीज़ और टाउन्स के बारे में बहुत नहीं जानते। पर ये जो सिटी है न्यू मिलियन, इसके बारे में ये कुछ समय पहले कुछ ज़्यादा ही जान गए हैं। और इतने ज़्यादा जगह ट्रैवल करने के बाद वो एक फिलॉसफी पे एग्री करते हैं जो कि होता है सिंप्लिसिटी एंड लाफर, यानी कि सिंपल रहो और हंसते रहो। डायरेक्ट मीनिंग है यार, ज़्यादा ब्रांड ब्रांड मत करो। मेरे पास ब्रांड का शर्ट, ब्रांड का पैंट, जूता, गाड़ी, वो भी ब्रांड का। इसे कहते भांजना और नॉट सिंप्लिसिटी में रहना, यानी कि सिंप्लिसिटी में नहीं रहना। चलो फालतू बात को साइड में रखते हैं, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब वो दोनों उस हिल टॉप को छोड़ के लुटकिंस की तलाश में निकल जाते हैं, पर अब तक उन्हें लुटकिंस का कोई पता नहीं चलता। तभी बिल को एक आइडिया आता है। फिर बिल लुटकिंस की एक दोस्त से पता करता है, तब उसे पता चलता है कि लुटकिंस तो अपनी मम्मी के मदर फार्म में गया, मतलब मम्मी के फार्म में गया है जो कि अप्रॉक्स 30 miles दूर है। ओ सॉरी, 3 miles दूर है नॉर्थ के डायरेक्शन में। मैं भी ना, मतलब छोड़ो। वो दोनों प्लान बना के उसके घर की तरफ बढ़ने लगे। तभी बिल कहता है कि मैं ओलिवर की मॉम को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत ही खतरनाक डेंजरस लेडी है, क्योंकि एक बार जब मैं ओलिवर के घर गया था एक ट्रंक को पहुँचाने, तब मैंने ढंग से ट्रंक को यानी कि बॉक्स को नहीं रखा, एक अंडों की तरह जैसे बॉक्स को रखा जाता है एकदम माइन्यूटली, एकदम साइलेंटली, बहुत ही अच्छे तरह से, वैसे मैंने नहीं रखा, इसलिए उसकी मॉम मुझ पर टूट पड़ी। और उसकी मॉम तो 9 feet टॉल है, 4 feet मोटी है और बहुत ही क्विक, एक कैट की तरह है। और अब बिल बोल रहे हैं कि मैं श्योर हूँ कि ओलिवर को पता चल गया होगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो अपनी मॉम के स्कर्ट के पीछे छुप गया हो। यार मैं अपने से नहीं बोल रहा, यहीं सचमुच लिखा हुआ है, स्कर्ट के पीछे छुप गया। अच्छा स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर बिल कहता है कि ये अच्छा होगा कि तुम मुझे ही ट्राई करने देना, क्योंकि तुमने लॉ तो पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेंटेलिटी जानते हो, पर मुझे पता है तुमने आज तक ऐसे भयंकर लोगों से नहीं मिला होगा, इसलिए ये बेटर रहेगा कि मैं ही अंदर जाके आगे की इन्वेस्टिगेशन करूँ या जाके पूछूँ। तभी वो दोनों फार्म यार्ड पहुँचते हैं और वहाँ खड़ी एक ओल्ड लेडी दिखती है उन्हें। फिर बिल तुरंत अपने हैक से उतरता है, दौड़कर मतलब जल्दी जल्दी उस वोमेन के पास पहुंचता है और कहता है कि क्या आपने ओलिवर को देखा है, क्या वो यहाँ आया था। तो फिर वो ऑलरेडी चिल्ला के इरिटेटिंग वॉइस में कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है कि वो ओलिवर कहाँ है। अब बिल भी चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत बकवास कर ली तुमने, अब मुझे बस ये बताओ कि ओलिवर कहाँ है। वैसे भी ये आदमी दूर शहर से ओलिवर को ढूंढने आया है और इसके पास एक लीगल राइट है कि ये उसे ढूंढे और उसे समन दे। और बिल कहता है कि हमें ये पूरा राइट है कि हम आपके प्रॉपर्टी को सर्च करें, यानी कि उस घर की तलाशी ले। ये देख के वो लॉयर भी काफ़ी इम्प्रेस हुए, यानी कि वो जो ऑथर थे वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुए, और वो जो लेडी थी वो भी बहुत इम्प्रेस हुई। उन्हें लगता है कि अब लेडी हमें घर की तलाशी लेने देगी। फिर लेडी जो होती है अपनी ओल्ड किचन की ओर बढ़ने लगती है और वो दोनों भी उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तभी बिल जैसे ही उनकी ओल्ड किचन के पास पहुंचता है तो ओल्ड लेडी वहां से एक रॉड निकालती है, गर्म रॉड, एकदम जलता हुआ रॉड, और कहती है, हंसते हुए कहती है कि एक काम करो, तुम मेरी घर की तलाशी ले लो, पर तलाशी लेने के बीच में अगर मैं तुम्हें जला के मार दूं तो तुम कुछ कहोगे तो नहीं मुझे। मतलब छोड़ो। अब बिल काफ़ी डर जाता है और वो ऑथर से कहता है, यानी कि लॉयर से कहता है कि यहाँ से कट लेते हैं, यहाँ से कट लेने में ही भलाई है, यानी कि वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, वरना ये लेडी तो हमारा मर्डर ही कर देगी। बिल जो होता है वो फुसफुसाते हुए बोल रहा है।
अब वो हैक ड्राइवर यानी कि बिल उस ऑथर से यानी कि लॉयर से कह रहा है कि क्या आपने देखा कि वो लेडी कैसे हम पर हंस रही थी। फिर लॉयर कहता है, हाँ मैंने देखा और ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल भी था, पर मैं इस घर की तलाशी लूँगा। और वो दोनों मिलके उस घर की तलाशी लेते हैं उस बुढ़िया से, मतलब उस लेडी से बचते बचते। वैसे सब कुछ हिंदी में बोलना भी सही नहीं होता, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तलाशी लेने पर भी उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इवन कि बिल जो होता है एकदम कोने कोने पर खिड़की के पास झांक झांक के हर जगह देखता है, पर वहाँ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है। जब वो नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि ओलिवर अब वहाँ नहीं है, वो वहाँ से निकल चुका है। अब दोपहर हो गया था और उन्होंने ओलिवर को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए बिल उन्हें सेफली स्टेशन वापस छोड़ देता है। और अब वो जो लॉयर होते हैं उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था कि वो उन्हें नहीं ढूंढ पाए, ओलिवर को नहीं ढूंढ पाए। फिर वो सोचते हैं कि अब वो कर भी क्या सकते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी जब वो ओलिवर को नहीं ढूंढ पाए तब। पर यहाँ मेन बात तो ये थी कि वो ओलिवर से ज़्यादा बिल के बारे में ही सोच रहे थे। अब वो लॉयर यानी कि ऑथर बोल रहे हैं कि वहाँ उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लगा, चाहे वो 100 पीपल हो जो धीरे धीरे बोल रहे थे, चाहे वहाँ की रोड हो, चाहे वहाँ की वो बार्बर शॉप्स हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, पर वहाँ उन्हें पसंद आया तो बिल उन्हें काफ़ी पसंद आया। और वो चाहते हैं कि वो वापस से न्यू मिलियन आए ताकि वो अपना लीगल प्रैक्टिस वहीं पे शुरू कर सके। और वो कह रहे हैं उन्हें बिल से मिलने के बाद तो ऐसा लगा कि जैसे कि जीने का कोई नया तरीका ही उन्हें मिल गया हो। अब वो कह रहे हैं कि भले ही उन्होंने लुटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा हो, पर जो ऑफिस वो वापस जा रहे हैं उन्होंने लुटकिंस के बारे में कितना कुछ सोचा होगा कि मैं लुटकिंस को पकड़ के लाऊंगा, पर शायद अब ऐसा नहीं है, वो लोग मुझसे काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे। और कल सुबह सुबह वो केस ओपन होगा जो ओपन होते के साथ ही क्लोज हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी विटनेस नहीं होगा। ऑथर को ये भी लग रहा था कि कल सुबह होते ही उनका कैरियर भी ख़त्म हो जाएगा और जो ऑफिस में बैठे हुए चीफ हैं वो तो उनका मर्डर ही कर देंगे और कहेंगे कि इससे अच्छा तो ये होता कि तुम कहीं जाके गड्ढा खोदते। पर अब खुशी की बात तो ये थी यार, खुशी ही समझो, खुशी की बात तो ये थी कि उन्हें वापस से न्यू मिलियन भेजा गया और उस समय वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ एक आदमी को भी भेजा जा रहा था। अब जब वो वापस से न्यू मिलियन पहुंचते हैं और स्टेशन पे रुकते हैं तब वो देखते हैं कि जो बिल था वो अकेले नहीं था बल्कि बिल उस लेडी ओल्ड लेडी के साथ खड़ा था और वे दोनों काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, इवन हंस के बात कर रहे थे। ऑथर को यानी कि लॉयर को काफ़ी अजीब भी लग रहा था, पर जैसे ही ऑथर अपने नए दोस्त के साथ जो उनके साथ आया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब ओलिवर को ढूंढने के लिए, जैसे ही उतरे तो वो बिल को पॉइंट करते हुए कहते हैं कि ये देखो यही वो सच्चा आदमी है जिसके साथ मैंने अपना पूरा एक दिन बिताया था और इसने मेरी ओलिवर को ढूंढने में काफ़ी मदद भी की थी, ये अलग बात है कि मैं नहीं ढूंढ पाया। फिर ऑथर का साथी एकदम अजीब तरह से ऑथर को देखते हुए कहता है कि क्या यही वो आदमी है जिसने तुम्हारी मदद की थी पूरे दिन? तो फिर वो कहते हैं ऑथर, हाँ यही वो आदमी है। तभी लॉयर का साथी जो नया दोस्त आया हुआ था, साथी आया गया था उसे ढूंढने के लिए, तब वो कहता है एकदम हेजिटेटिंग वॉइस, मतलब बहुत ही अजीब तरह से वॉइस बनाते हुए कहता है कि हाँ वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेगा जब क्योंकि वही तो लुटकिंस है। तब ऑथर एकदम गहरे सदमे में चले जाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है उनके साथ। अब ऑथर सोच रहे हैं कि कैसे उस लुटकिंस ने अपना नाम चेंज किया बिल और कैसे उसने मुझे मूर्ख बनाया और अपनी बूढ़ी माँ के साथ मिलके मुझे कितना उल्लू बनाया, जैसे कि मैं कोई 7 साल का बच्चा हूँ और वो मुझ पे कितना हंस रहे होंगे। अब वो लोग उन्हें समन देने जाते हैं, तब लुटकिंस उन्हें रिप्लाई करता है, स्पेशली ऑथर को रिप्लाई करते हुए कहता है, अब वो कहता है कि चलो चलो मेरे नेवर शॉप में चलो, वहाँ पे चल के हम कॉफ़ी पीते हैं और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया है और वो लोग काफ़ी एक्साइटेड है तुम्हारे बारे में जानने के लिए और वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। और ये वो लोग हैं जिनसे तुमने कल नहीं मिला। एंड यार ऐसे होता है माई स्टोरी का दी
एंड। और यार अगर इससे पहले की कोई भी वीडियो आपको देखनी है तो उसका लिंक तो नहीं है पर उसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। सारे वीडियोस इससे पहले की मैं बना चुका हूँ, चाहे वो फुटप्रिंट्स की बुक की हो या फिर फर्स्ट फ्लाइट बुक की हो, तो जाके देख लेना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। लाइक एम बिल्कुल मत भूलना, वो है 2K लाइक्स कंप्लीट कर देना।